नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं गो टू ऑनलाइन। तो अगर आप किसी को अकाउंट डिटेल के जरिए पैसा भेजना चाहते हैं या फिर आप किसी से अकाउंट डिटेल के जरिए पैसा मंगाना चाहते हैं तो उसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक होता है अकाउंट नंबर और दूसरा होता है IFSC कोड। तो अकाउंट नंबर तो लगभग सभी लोगों को याद रहता है लेकिन IFSC कोड याद नहीं रहता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप हिंदुस्तान की किसी भी बैंक का IFSC कोड कैसे पता कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर। जी हाँ बिल्कुल, आप किसी भी बैंक का IFSC कोड 2 मिनट के अंदर अपने मोबाइल से पता कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो के नीचे आपको लाल रंग में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि ऐसी जानकारियां आपको भविष्य में मिलती रहें। तो किसी भी बैंक का IFSC कोड कैसे पता करना है तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। तो देखिए, मैं आ गया हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और गूगल क्रोम के सर्च बार में आपको टाइप करना है IFSC कोड फाइंडर और टाइप करके आपको सर्च कर देना है। इसके बाद में सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट नज़र आएगी और मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ IFSC कोड सर्च फॉर IFSC एंड MICR कोड्स ऑफ ऑल बैंक ब्रांचेज, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और इसमें कुछ कॉलम बने हुए हैं। तो सबसे पहला कॉलम है यहाँ पर सेलेक्ट बैंक का, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करके अपनी बैंक सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी बैंकें आ जाएंगी और जिस बैंक का आपको IFSC कोड देखना है वो बैंक यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ केनरा बैंक को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में आपके सामने एक नया ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर ये लोड हो रहा है और देखिए फिर यहाँ पर आपके सामने स्टेट आ जाएंगे। तो आपका बैंक जिस स्टेट में है तो वो सारे स्टेट यहाँ पर शो होंगे, तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ से उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको तीसरे कॉलम में सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ से ज़िला आगरा सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में एक नीचे कॉलम और दिया है सेलेक्ट ब्रांच का, तो आपको सेलेक्ट ब्रांच पर क्लिक करके और अपनी जो ब्रांच है वो किस शहर में है, किस कस्बा में है, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ फतेहपुर सीकरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो फतेहपुर सीकरी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और सेलेक्ट करते ही आपके सामने फतेहपुर सीकरी केनरा बैंक की सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है, IFSC कोड आ गया है और MICR कोड आ गया है, एड्रेस आ गया है और ब्रांच कोड आ गया है, सारी डिटेल यहाँ पर खुलकर आ चुकी है।